सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का शुभारंभ किया। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत स्टार्टअप इंडिया पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में की गई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उत्पादन परीक्षण, बाजार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 945 करोड़ रुपए लागत के साथ लॉन्च किया गया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा केवल उसी स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जाएगी जिसे आवेदन की अवधि से 2 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो। स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त न की जा रही हो। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के द्वारा अगले 4 वर्षों में 300 इंक्यूबेटर्स के माध्यम से 3,600 उद्यमियों का समर्थन किया जाएगा। DPIIT द्वारा गठित एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी हेतु जिम्मेदार होगी। विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा चयनित पात्र इंक्यूबेटरों को 5 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। चयनित इंक्यूबेटर्स को स्टार्टअप के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उत्पादन परीक्षण हेतु 20 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप्स को बाजार में प्रवेश, व्यवसायीकरण या परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण से जुड़े उपकरणों हेतु 50 लाख रुपए तक का निवेश प्रदान किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना Tier 2 और Tier 3 क्षेत्रों में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि भारत में छोटे शहरों को अक्सर उपयुक्त धन मुहैया नहीं कराया जाता। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में लॉन्च किया गया था। ये देश में नवाचार के पोषण और नवोदित उद्यमियों को अवसर प्रदान करने हेतु एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है, सरलीकरण और हेड होल्डिंग, वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन, उद्योग अकादमी भागीदारी और इंक्यूबेशन। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।